और चलिए इसी बीच आपको सीधा बीकानेर लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। नाना कौन थे, और या फिर 2047 की बात करें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, वैसा भारत बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भारत तो अपने आप बन रहा है, 75 सालों में बन रहा है। अब राजस्थान की आप बात देख लो कि हमने जो 2018 में वादे किए थे वो लगभग 94% हम लोगों ने वादे पूरे किए। मैंने एक प्रेस नोट अपने सारे साथियों को दिया है, लगभग 94% के आसपास हमने पूरी करी है। अब अपनी बातें, एक आध बात रही भी है, ऐसी बात नहीं, एक आध कमियां भी रही हैं, सारी सरकारों में कमियां भी रहती हैं। और उन वादों को पूरा करने की जो लिस्ट है वो भी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आप उसमें भी आलोचना भी कर सकते हैं, आपके सवालों का भी स्वागत है। आप देखो, अगर हम लोगों ने जब योजनाएं करी हैं अपनी, तो राजस्थान को कहां कहां नंबर वन किया है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में राजस्थान नंबर वन है। जैसे कि हमारे यहां पर जो हमारे भाजपा के साथी हैं वो कहते हैं 5वें नंबर पर ले आए, 8वें पर ले आए, 10वें पर ले आए, लेकिन हम नंबर वन खाली गिला रहे हैं आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज में राजस्थान नंबर वन। 25 लाख की कवरेज का एकमात्र राज्य है, इसके अलावा कोई राज्य हो तो कोई बता दे। ये लोग तो वो आयुष्मान 5 लाख की करके कितना हंगामा कर रहे थे। सबसे ज़्यादा सब सेंटर हम लोगों ने खोले, नए PSC खोले, CSC खोले, जहाँ जहाँ हम सबसे आगे हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में सबसे आगे हैं। सबसे ऊंचा टावर हमने बनाया, सारी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी, नए कॉलेज खोलने में हम लोग नंबर वन, सिविल सर्विसेज के अधिकारी देने में हम लोग नंबर वन, सरकारी नौकरी लगभग 1,60,000 दे चुके, 1,15,000 पाइपलाइन में, आंकड़ों में 1,00,000 और मतलब ये 2,000-5,000 में मत विचलित होइएगा, बात मुद्दे की करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने दे दी। आप देखो, पूरे देश में कोई एक राज्य ऐसा बता दो या केंद्र की ऐसी सरकार बता दो जहां पे आपको शांति और अहिंसा का विभाग मिलता, वो विभाग देने में हम लोग नंबर वन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने में हम लोग नंबर वन, दुग्ध उत्पादन में, ऊन उत्पादन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, अनाज तिलहन और चने के उत्पादन में, बाजरा एवं सरसों के उत्पादन में, ये सारी तमाम वो हैं, इसको मैं गिनाऊँ, इससे बेहतर है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि हम तमाम जगहों पे नंबर वन हैं, इन 5 सालों में ही हुए, 4.5 सालों में। दूसरी तरफ हमारे साथी, आप देख लो 2014 का उनका घोषणा पत्र उठा लो, 2019 का घोषणा पत्र उठा लो, आप मेरे ख्याल से 9% वादे भी पूरे नहीं किए। अगर किसी के वही खाते में, हमारे सारे पत्रकार साथी हैं, हम लोगों ने भी जनधन योजना में कहना लालू जी का कि सबने खाते खुलवाए थे, 15-15 लाख आएंगे अगर किसी का आया हो, किसी के बच्चे को 2 करोड़ रोजगारों में रोजगार, नौकरियों में नौकरी मिली हो, कोई बता दे। तो हमारी आलोचना करना आसान है, आलोचना हमारी इसलिए की जा सकती है कि हम लोग काम करते हैं, जो काम ही नहीं करता उसकी आलोचना कोई क्या करेगा। आप देखो ना कि यहाँ पर चाहे हम लोगों ने, हमारे पास समस्याएं भी, मैं समस्याएं भी पहले बता दूंगा आपको, ऐसी भी बात नहीं कि पेपर लीक की बात आप लोग करते हो, हुई पेपर लीक हमारे यहाँ हुआ, हमें इस बात का दुख है, शर्म है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेंबर गिरफ्तार है। हम लोग ऐसा कानून लेके आ रहे हैं कि उम्र कैद होनी चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन हमारी बगल में भी तो देख लो, मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सेंटर में, स्कूल में 10 में से 7 टॉपर हैं पटवारी परीक्षा में, 10 में से 7 एक विधायक के, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार ने करी, कोई बता दे। तो ऐसा नहीं कि कमियां राज्य में नहीं होती, हुई हमारे यहां कमियां, हमने उस पर एक्शन लिया, हमने 2000 से ज्यादा मुकदमे स्वीकृत किए हैं AC विवेंटिक क्राइम ब्यूरो में, कितने हम लोगों ने किए, और इन लोगों ने शायद 1536 के आसपास करे थे। हमारी कार्रवाई में ISB के भी खिलाफ कार्रवाई हुई, PCS के भी खिलाफ कार्रवाई, PPS के भी, IPS के भी।
1800 अधिकारी अधिकारियों के मुकदमे स्वीकृत किए हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने काम नहीं किए या हमारी मंशा काम करने की नहीं है, कभी कभी कुछ कमियां भी रह जाती हैं। एक और एक सबसे बड़ी बात गहलोत साहब की, आप देखो जब से आए अनिवार्य पंजीकरण कर दिया FIR का आपके सामने, उसके बाद अनिवार्य पंजीकरण के बाद की पोजीशन है, हमको कहा जाता है राजस्थान जो भाजपाई जो लोग हैं हमारे मित्र हैं वो कहते नहीं साहब भाजपा ये राजस्थान तो फलाने मामले में अपराध में नंबर वन है, फलाने में आप देख लो, आप आंकड़े उठा लो, NCRB के आंकड़े मेरे नहीं। तो इसमें आप देखो कि हमारे यहाँ महिलाओं के 1,00,000 में जो अपराध की दर है वो 105.4, दिल्ली है बगल में 147, असम है 168, उड़ीसा है 137, तेलंगाना है 119, राजस्थान छठे नंबर पर है। दुख है हमें इस बात का, एक भी अपराध नहीं होना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कहता कि अपराध मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि बगल में अपराध ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे यहाँ कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपराध एक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर आप देखो कि अशोक गहलोत साहब की सरकार में सबसे ज़्यादा हम लोग जो अभियोजन को परिपक्व करने की दर है वो है। आप देख लो इसको भी कि सजा का प्रतिशत हमारे यहाँ 45% जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 26%। पेंडिंग केस हमारे यहाँ महिला अत्याचार के 9.6% है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 31%। ये 9% भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ पर और यूपी और बिहार में, मैं यूपी से आता हूँ, लखनऊ से आता हूँ, लखनऊ में तो साहब केस नहीं दर्ज होते। बच्ची के साथ हवस मिटाई हाथरस में और जब कुछ नहीं कर पाए तो उसका क्या हाल किया, और जब सरकार की पोल खुलने लगी तो उसको उसकी लाश को जला दिया आपके सामने, हाथरस जैसी घटना। यहाँ पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में किसी औरत की साड़ी पे हाथ डाला गया। लखीमपुर में एक महिला अपना नॉमिनेशन करने जा रही थी, उसकी साड़ी उतार दी। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग देख लें तो मेरा तो ये मानना है कि राजस्थान इस वक्त जनता के लिए श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे ऊपर एक आरोप और लगता है सांप्रदायिक हिंसा, आप आंकड़े उठा लो ना पिछली सरकार की तुलना में आधे से कम। और सबसे बड़ी बात कि जो हुए वो तुरंत कानून के सम्मुख हुए, किसी का भी। और जब महिलाओं के प्रति अपराध की बात आती है, जब आगे देखते हैं तो आपको वो BJP के लीडर दिखाई देते हैं। तो जो अभी जो घटना हुई थी आप लोग सब लोग जानकारी में है, ABP के सदस्य निकले, हम उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन ये अपने आप में सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो, ठीक है ना। अब आते हैं गजेंद्र जी, आते हैं कहते हैं साहब वो नौकरी नहीं दी, फलाना नहीं दिया। अरे हमने तो नौकरी दी है, तुमने कौन सी 2 करोड़ नौकरी दे दी कोई बताए हमको। जिस विभाग के तुम मंत्री बने हो राजस्थान को उस विभाग से क्या मिला पिछले 5 साल में बतावे तो कोई। एक आ जाते हैं एक मंत्री जी हैं आपके यहाँ के, वो क्या नाम है उनका, अपने मेघवाल साहब, वो तो खर कह, हाँ उनके ऊपर हम क्या कहें, वो तो हम तो उनको धन्यवाद ही देंगे, कल कह गए वो कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, वो खुद ही कह दिया उन्होंने, तो उनके बाकी पाप माफ हो गए। लेकिन एक बात जरूर मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहूँगा उनसे कि भाई आप मंत्री हो, इतने बड़े मंत्री हो, आप कहते हो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं हम, संविधान विरोधियों के साथ क्यों खड़े? जो लोग बाबा साहेब के आरक्षण को खत्म करने पे उतारू हैं उनके साथ कैसे खड़े हो सकते? आप तो अफसर रहे हो। अर्जुन राम मेघवाल जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, आप अफसर रहे हो, आप बाबा साहब के संविधान को मिटाने वालों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? आपके यहाँ के कैलाश मेघवाल इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो आपके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो उनको? मैं तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से विनम्र आग्रह करूँगा आप लोगों के माध्यम से भी, और मैं वैसे भी कहूँगा कि जो कैलाश मेघवाल जी ने आरोप लगाया इसकी जाँच हो,
भाजपा तो जांच कराने से रही, मोदी जी तो मंत्रिमंडल से निकालने से रहे उनको, भाजपा तो जांच कराने से रही इसकी। दो ना आप इनकी जांच होनी चाहिए कैलाश मेघवाल के आरोपों की। बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके यहाँ का पुराना क्या नाम वो देवी सिंह जी है, आप देखो इतने पुराने कार्यकर्ता को अपने मंच पर नहीं, बात करेंगे कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा, हम लोग एक हैं नेक हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे जो आदमी अपने पुराने नेता को अपने पितृतुल्य आदमी को जगह नहीं दे सकता मंच पे, वो जनता की क्या सेवा खाक सेवा करेगा। जो आदमी संविधान जिस संविधान की वजह से अर्जुन राम मेघवाल जी पहले अफसर बने, यही बाबा साहब का संविधान था जिससे उनको अफसर बनाया, यही बाबा साहब का संविधान था वोट का अधिकार, यही बाबा साहब का संविधान था केंद्र में मंत्री, उसी बाबा साहब के संविधान को खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाले खुलेआम चुनौतियां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कह रहे हैं संविधान बदल दिया जाना चाहिए, और उनके साथ यहां का आपका नेता खड़ा है। ये गर्व का नहीं शर्म का विषय है, ऐसा आदमी बीकानेर में रहना नहीं चाहिए। हमारी स्पष्ट कहना है अपनी जनता से कि ऐसा आदमी बीकानेर में नहीं रहना चाहिए जो बाबा साहेब के संविधान को चुनौती देने वालों को जवाब। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील इंडिया नंबर वन QST बार देश का भरोसा। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील इंडिया नंबर वन QST बार देश का भरोसा। इससे पहले तो आपको कोल माइन वाला कोयला जो चार गुना सस्ता है नहीं मिलेगा, बाकी कुछ पानी की भी प्रॉब्लम है, बारिश की भी प्रॉब्लम है, ये है अपनी जगह पर, लेकिन जो हमारी मेन समस्या हर जगह पर है वो आती है कोयले की। कोयला कहते हैं लोग अडानी से खरीदो विदेशी, चार गुना महंगा, कहां से खरीद लें हम भाई, हमें हमारी कंपनी का कोयला दे दो ना। राजस्थान में यहाँ नवेली लिग्नाइट का भी है, झारखंड पे हमारी कोल मिल है, हमारा क्या नाम वो है, हमें हमारे संसाधनों पर अधिकार दो। 7000 क्या नाम मेगावाट हमारी प्रोडक्शन है थर्मल की, 5000 हो पा रही है, क्यों? कोयला मात्र 5 दिन का है। ये लोग कहते हैं अडानी से ले लो जितना लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं तो बस यही बात कहने आया आपके पास कि आप अगर इन सारी चीज़ों को देखो और मेरे लायक अगर कहीं पर भी कुछ भी। हाँ एक चीज़ और, एक राज्य बता दो गौरक्षा की बात करने वाले, किसी भी राज्य में अगर पशुधन के यानी गाय के मरने पे 40,000 रुपये मिलते हों तो कोई एक राज्य बता दो भाजपा शासित जो अपने आप को अल्लंबरदार कहते हैं गौवंश को बचाने का, बता दो किसी के यहाँ भी 40,000 रुपये। मैं तो योगी जी से भी पूछता हूँ, मोदी जी से भी पूछता हूँ, गुजरात का तो मुख्यमंत्री है कौन, आप लोगों को भी नाम याद नहीं होगा, वहाँ के भी मुख्यमंत्री से पूछता हूँ, तो आप बता दो अगर 40,000 रुपये किसी उस पर देते हो तो। हम लोग तो बीमा भी दे रहे हैं दो दो गौधन का, और अगर कहीं कोई दुर्घटना हो रही है तो 40,000 रुपए भी दे रहे। तो ये सारी चीजें अपना, बाकी आप जान ही रहे हो कि जो इन लोगों के आरोप लगाने के तरीके हैं मैंने प्रेस नोट पे दे ही दिए हैं सारे। तो अब एक चीज और कहते हैं लोग कि साहब ये महंगाई राहत के जो है ये मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आता। अरे आप भी 500 रुपए का सिलेंडर ले लो यार, मजाक क्यों उड़ा रहे हो भाई। आप बताओ मेरे को
1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, अगर 500 रुपये का हम दे रहे हैं तो आपको मजाक उड़ाना चाहिए। आप हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे हो, आप गरीब जनता का मजाक उड़ा रहे हो, आप उस जनता का मजाक उड़ा रहे हो जो जनता सच में जरूरतमंद है। ये मजाक उड़ाना बंद करो, हम तो भाजपा से कहेंगे ये मजाक उड़ाना बंद करो। आप लोग जनता के लिए, आपको चुना गया था, हमें उम्मीद है कि आप 2014 से 2023 तक का आप हिसाब दोगे, आप दोगे कि 15 लाख रुपए किसी के खाते में हैं नहीं हैं, आप माफ़ी मांगोगे कि हम नहीं दे पाए, आप कहो कि 2 करोड़ रोज़गार हमने दिए नहीं, हमने क्या नाम आपसे छीने हैं रोज़गार। और जब आप ये बात कहते हो कि कोरोना काल के कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है रसातल में गई, माइनस में गई, तो भैया राजस्थान में का कोरोना नहीं था। राजस्थान से आप चाहते हो कि वो माइक टाइसन बने, राजस्थान से आप सारी उम्मीदें रखते हो, और आप कहते हो कि साहब हमको तो कोरोना ने मार लिया। कोरोना में भी, कोरोना का वो देने में भी राजस्थान नंबर वन था, भीलवाड़ा मॉडल पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। तो मैं तो ये सारी बातें कहता हूँ साहब। और ये एक और है, हालांकि यहाँ का मुद्दा नहीं है, ये कह रहे थे किरोड़ी लाल जी इनके यहाँ के, कह रहे साहब वो 50-50 दे दो मध्य प्रदेश को, ईस्ट कैनाल ERC। हमको ये बताओ, जो 75% है राजस्थान का हिस्सा, आपने मध्य प्रदेश से ले क्या लिया? भाई उनके पास तो और नदियां हैं, उनके पास प्राकृतिक संसाधन हैं, यहां का क्या मतलब? झूठ बोलते हो मंच से खड़े होकर के, आप बताओ। मैं अच्छा, आप एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ करके फिर आपके क्वेश्चन ले रहा हूं। आप एक बात बता दो, घर का अभिभावक चाहे कितना भी कठोर हो, कितना भी गुंडा हो, लेकिन झूठा नहीं होता। हम अपने माँ बाप को सब कुछ सहन कर सकते हैं, झूठ सहन कर सकते हैं। मंच से खड़े होकर के मोदी जी ने और मंच से खड़े होकर के गजेंद्र शेखावत ने आपके सामने बोला था या नहीं बोला था, आप बता दो मेरे को। आज कहते हैं हमने कहा ही नहीं। तो योजनाएं तो सारी अशोक गहलोत साहब की आपके सामने हैं। अशोक गहलोत साहब अपना काम का कार्ड आपके सामने लेके हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 100% हमने काम किया, उन्होंने कहा अब तक 94% किए हैं, आगे और करेंगे। विजन हमारा 2030 तक का है, और उनका विजन इसी बात से समझ में आता है कि एक गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ कि देहु सिवा बर मोहे है, शुभ कर मन ते कब हो न डरे, न डरे अरिसो जब जाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। तो अशोक गहलोत साहब तो इस वादे पर चल रहे हैं कि हे शिव मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं शुभ कर्मों से कभी न टरूं, और जब भी अरी से यानी दुश्मन से लड़ने जाऊं तो निश्चय कर अपनी और अपनी जनता की जीत करूं। फ्री की बिजली, तमाम सारी सुविधाएं देने के बाद जब आप लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं और आप कहते हैं कि सनातन धर्म को नाश करना है, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि जनता वोट दे, कैसे दे देंगे? आप उनकी भावनाओं को सीधे चोट पहुंचा रहे। किसने किया? देखिए दो चीज़ें बड़ी साफ़ हैं। मैं धर्म पर आना नहीं चाहता, क्योंकि बहस ये या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान की है, राजनीति की है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे एक चीज़ कह दूँ दो, कि यहाँ पर सवाल कोई भी पूछने से पहले एक बार मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है सबसे, जाइए या तमिलनाडु या अपने साथियों से तमिलनाडु के पूछ लीजिए। वहाँ की जो राजनीति है वो बिल्कुल उसी पर है, हमें उससे कुछ नहीं, हमारा लेना देना उस बात से नहीं है, ना हमारा उस बयान से है। लेकिन वो DMK जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थी, या अन्ना DMK नरेंद्र मोदी के साथ थी, सबकी रीति नीति प्रीत तमिलनाडु की एक है। इसलिए दक्षिण भारत पर के किसी भी कमेंट पर हम अपने आप को असंबंध तो कर सकते हैं,